नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एयरक्राफ्ट करियर के बारे में, और आप में से बहुत से लोगों के प्रश्न भी आए थे कि एयरक्राफ्ट करियर पर वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में रहेगा एयरक्राफ्ट करियर के बारे में, मैं आपको बताऊँगा पूरी जानकारी, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताऊँगा कौन सा एयरक्राफ्ट करियर हमारे पास इस वक्त मौजूद है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, तो एक तरफ हिंद महासागर है। तो ऐसे में सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो खासकर की नेवी और कोस्टल गार्ड के कंधों पर होती है, और ऐसे में देश की सीमा की सुरक्षा करने का जो पूरा जिम्मा है वो ज़्यादातर नेवी के हाथ में रहता है। और एयरक्राफ्ट करियर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए, आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। भारत दो दुश्मन पड़ोसियों से घिरा हुआ है, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट हैं, और भारत की समुद्री सीमा जो कि 7516 किलोमीटर की है, जिसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कोस्टल गार्ड और नेवी की है। जब दक्षिणी चीनी सागर में चीन दादागिरी पर उतर आया हो और पाकिस्तान अपने नेवल पावर को लगातार बढ़ाता जा रहा हो, तब हमें अपनी डिट्रेंस को दिखाना पड़ेगा और पावर प्रोजेक्शन करना होगा, और इसके लिए एक ही नाम आता है, वो है एयरक्राफ्ट करियर। 1978 से 82 में निर्मित कीवी श्रेणी के विमान वाहक पोत का एक रूपांतरण है। वर्तमान समय में भारत के पास एक ही एयरक्राफ्ट करियर है जो INS विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूर्य की तरह प्रतापी, और भारतीय इतिहास के कुछ प्रसिद्ध राजाओं का नाम भी है, जैसे कि उज्जैन के विक्रमादित्य, जिन्हें एक महान शासक और शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। पहले ये एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन के बाकू के नाम से था, फिर इसे एडमिरल गौरशेव का नाम दिया गया। रूस ने इसे भारत को फ्री में देने की पेशकश की थी, पर रिफिट और मरम्मत के नाम पर $2.5 बिलियन इंडिया को देने पड़े। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 4 फ्रिगेट, 2 मिसाइल डेट्रॉइट से स्कॉट किया जाता है, वो भी प्लस शेप में। इसके नीचे एक सबमरीन चलती रहती है, 2 हेलीकॉप्टर आगे शेल करते हैं ताकि ये पता चल सके कि कोई सी माइन तो नहीं बिछा है, 4 फाइटर जेट इसको एयर स्कॉट करते हैं। इसकी सिर्फ एक खासियत ये है कि ये पूरा एयरपोर्ट मोबाइल होता है। विक्रमादित्य का वजन 45,300 टन का है, इसकी लंबाई है 284 मीटर और ये 60 मीटर ऊंचा है। ये युद्धपोत इतना बड़ा है कि इसमें 3 फुटबॉल मैदान आराम से आ सकते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 22 मंजिला इमारत के बराबर है। इसकी स्पीड ओवर 3 KTS है और 4 प्रोपेलर्स इसमें लगे हुए हैं। इसकी मैक्सिमम बीम है 60 m की। इसमें जो एयरक्राफ्ट करियर आते हैं वो MiG-29K, Kamov-31, Kamov-28, सीकिंग ALH, चेतक सहित 30 विमान तैनात और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं फटक सकते। 1600 नौसैनिक के क्रू मेंबर्स के लिए 18 मेगावाट जनरेटर से बिजली तथा ऑस्मोसिस प्लांट से 400 टन पीने का पानी उपलब्ध होगा, और इन नौसैनिकों के लिए हर महीने 1,00,000 अंडे, 20,000 लीटर दूध, 16 टन चावल आदि की सप्लाई की जरूरत होती है। एयरक्राफ्ट करियर एक चलता फिरता किला है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उसकी समुद्री सीमा के रक्षा के रूप में देखा जाता है। इसे समुद्र का दादा या समुद्र का सिकंदर कहा जाता है। इसके बिना कोई भी नेवी ब्लू वाटर नेवी नहीं कही जा सकती है। ये एयरक्राफ्ट किसी भी देश, किसी भी दुश्मन देश के माथे पर बल देने के लिए इसका नाम ही काफी है। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिर्फ इसलिए हार गया था क्योंकि उसके पास एयरक्राफ्ट करियर नहीं था। अगर ये उसके पास होता तो आज इतिहास कुछ और होता। तो इस तरह से देखा जाए कि हम एयरक्राफ्ट करियर की महत्ता को नकार नहीं सकते हैं। अभी देश में INS विक्रांत 2 के नाम से एक और एयरक्राफ्ट करियर बन रहा है जो 2020 तक इंडियन नेवी में कमीशन होगा। वहीं दूसरा INS विशाल के नाम से बनेगा, 65,000 टन क्षमता वाला होगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट करियर के बारे में अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर आप कोई एक्स्ट्रा जानकारी जानते हैं, ज़रूर अपने जो कमेंट्स हैं उसे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। टेक्निकल अर्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ और हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट जानकारी पाएँ।